तो जो फर्स्ट ऐप हमें यहाँ पर मिल जाती है जो कि है कॉर्नर फ्लाई, जो काफ़ी अच्छी ऐप है, आप इसे परमिशन दे दीजिए, सेटिंग्स में जाके इसे एक बार इनेबल कर दीजिए। इसके बाद आपको मिलेंगे काफ़ी अच्छे कर्व्ड एजेस। अगर हम ट्रेंड फॉलो करें तो जो नया सैमसंग S8 है उसमें भी हमें कर्व्ड एजेस मिल जाती हैं जो कि एक स्मार्टफोन को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देती हैं। इससे आप अपनी एजेस को कर्व कर सकते हैं। इसके पेड वर्जन में आप एजेस को और ज़्यादा कर्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो जो नेक्स्ट ऐप यहाँ पर है जो कि है ऑल इन वन जेस्चर्स, ये काफ़ी अच्छी ऐप है। यहाँ पर आपको 3 टैब्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इनमें से सिलेक्ट करता हूँ स्लाइड राइट का ऑप्शन। स्लाइड राइट में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं इसमें से स्क्रीन शॉट सेलेक्ट करता हूँ और अब जैसे ही मैंने स्लाइड किया मेरा स्क्रीन शॉट स्क्रीन पर है। तो इस तरह से आप कई सारे फीचर्स अपने एंड्रॉयड में इनेबल कर सकते हैं। ये काफ़ी ही हैंडी ऐप है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की ओर। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमें मिलती है जो कि है वॉइस एक्सेस। ये काफ़ी अच्छी ऐप है। ये एक्चुअली करती क्या है कि इसे जो भी एप्लीकेशन स्क्रीन पर दिखती है उसे एक नंबर दे देती है और आपको इस नंबर को बोलना होगा और वो आपका स्मार्टफोन ओपन कर देगा उस एप्लीकेशन को। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है जो कि अभी भी बीटा में है, लेकिन इससे चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऐप। तो जो नेक्स्ट ऐप है हमारी लिस्ट में जो कि है स्क्रीन गार्ड। ये काफ़ी अच्छी ऐप है। ये ऐप एक्चुअली करती क्या है, ये एक स्क्रीन पर एक फ़िल्टर अप्लाई कर देती है जिससे कोई भी सेकंड पर्सन नहीं देख पाता है कि आप स्क्रीन पर क्या यूज़ कर रहे हैं। इससे आपकी प्राइवेसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो बेसिकली करना क्या है, आपको कोई सा भी अपनी पसंद का फ़िल्टर चॉइस करना है और उसकी इंटेंसिटी सेट करनी है और ओके बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको उस फ़िल्टर की ब्राइटनेस सेट करनी है और आप फिर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन में रेड फ़िल्टर चूज़ किया है और फिर आप इसे अप्लाई कर दीजिए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। हमें इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी घटानी होगी जो कि सेटिंग्स में जाके किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी ऐप की ओर। तो जो नेक्स्ट ऐप है हमारी लिस्ट में जो कि है मूवीज़ ऐप। ये काफ़ी अच्छी ऐप है। ये एक्चुअली करती क्या है, ये विजुअल्स ऐड कर देती है आपके नेविगेशन बार पर। जैसे ही आप कोई सा यूट्यूब वीडियो या म्यूज़िक प्ले करेंगे ये साउंड विजुअल्स आपको आपके नेविगेशन बार पर दिखने लग जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं यूज़र्स को, और ख़ासकर जब आप म्यूज़िक सुन रहे हो। ये विजुअल्स को आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर हमें अलग अलग विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। ये रहे आपके एंड्रॉयड के 6 मोड जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ इसमें कमी लगती है तो कमेंट ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।